अस्सलाम वालेकुम, आपकी बहन यास्मीन हाजिर है आपकी खिदमत में। आज मैं आपको पेट कम करने का बहुत ही अच्छा नुस्खा बता रही हूँ। आप बिलीव करें कि आप एक वीक इसको एक खाएं, पानी बना के कावा बना के इसका पिए, आप देखिएगा कि आप खुद फील करेंगे कि इससे पेट कितनी जल्दी कम होते हैं। और इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बिल्कुल वो किचन का सारा सामान, कोई ज्यादा हमें एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही चीप है, और किचन में जो आप एवरीडे इस्तेमाल करते हैं वही चीजें हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने व्हाइट जीरा लिए 2 टेबल स्पून। आप कम से स्टार्ट करें, फिर आस्ता आस्ता इसकी मकदार बढ़ाते जाए। ये 2 टेबल स्पून, ये मैंने एक पैन ली है, पैन में मैं इसको डाल रही हूँ। और ये देखो 2 टेबल स्पून सौंफ, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है। मेथी दाने की तो इतनी तारीफ है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि इसकी वैल्यू का, तो ये सोने से भी ज्यादा महंगा हो जाए। और ये मैं इसमें इसको भी मिक्स कर रही हूँ। ये है अजवाइन, और ये भी मैंने 1 टीस्पून ली है, ठीक है, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और ये कलवंजी है, कलवंजी का तो आपको पता है कि कुरान में भी इसका जिक्र है, ये मौत के अलावा हर चीज को खत्म कर सकती है, पेट की बीमारी। ये मैंने 1/2 टीस्पून ली है, और ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। मैं एक दफा फिर आपको बताती हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने जीरे के लिए, और 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिए, 1 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना लिए, और 1 टेबल स्पून मैंने जवैन लिए, और 1/2 टेबल स्पून, आपने 1/4 टेबल स्पून मैंने कलवंजी का लिया, ठीक है। अब हम इसको कुछ 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करते हैं। मिनट ज्यादा टाइम लगाना, क्योंकि हम अगर इसको इस तरह रोस्ट करेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो ये सर थोड़ा सा मुश्किल होगा। 1 मिनट के लिए हम इसको उसमें डाल के पैन में, और थोड़ी सी आग पे थोड़ा सा भून लेते हैं, और फिर इसको ग्राइंड करते हैं। मैंने आग चला दी है, अब पैन को ऊपर रख देती हूँ और मैं थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ। ये इतना अच्छा पेट का नुस्खा है कि आप खुद ही देख के तो समझेंगे कि बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बता रही हूँ। ये बड़े छोटे सब पी सकते हैं, और ये खाने के बाद आप इसको पीजिएगा। मैंने एक अपना थर्मस रखा हुआ है, थर्मस में मैं गर्म पानी में ये 2 टीस्पून में इसके डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं फुल कर लेती हूँ थर्मस को, और फिर मैं बार बार गर्म करने से मैं थर्मस में पानी गर्म इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आप सुबह के टाइम उठे और इसका 1 कप तो आप पी लें, खाली पेट पीने से बहुत ही इसका अच्छा असर होता है। और उसके बाद आप इसको हर खाने के बाद एक कप लेके और पी लें। बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप एक ही दफा गर्म करें और अपने थर्मस में डाल के रखते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह इसको इस्तेमाल करती हूँ, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, अब बिलीव करें कि वो इन्हीं चीज़ों से फायदा उठाते थे, वो बाहर की मेडिसिन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते थे और घर की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करते थे। मेथी दाना ब्लड शुगर के लिए बहुत ही अच्छा है, जवैन पेट के लिए बहुत अच्छा है, और सौंफ तो आपको पता है आंखों के लिए। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो कि नुकसान देने वाली हो। मैं थोड़ा सा इसको भूनती हूँ, भूनने के बाद इसको मैं ग्राइंड करूंगी। अब ये भून चुका है और इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया, हल्का सा इसको आप ठंडा करें, गरम गरम को ना ग्राइंड करें। और उसके बाद हम इस जार में डाल देंगे। चलिए जी, अब मैंने मिक्सी जार में डाल के इसको मैं हम इसको एक प्लेट में निकालते, एक बॉल में, जार में से इस बॉल में सारा निकाल दिए। और अब हम लेते हैं 1 टेबल स्पून, इस तरह की आप एक केटल लें, और उसमें सारे दिन के लिए बना के आप रख सकते हैं। इस केटल में ये पानी गर्म है, बिल्कुल बॉयल्ड मैंने पानी लिए। अब मैं इसमें 2 टीस्पून इसके डाल दूंगी।